आज ये मोदी सरकार अभी की दिया, कुछ नहीं दिया। आज तला कुछ पैसा मदद नहीं, आज तला कोई रोजगार नहीं। हम लोग गरीब है, अब रोजगार के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग का रोजगार नहीं है। और बीजेपी यहाँ के कुछ रोजगार नहीं दिया, जीत के जाता है फिर उसका हुलकी मारने नहीं आता। हमको न्याय चाहिए। यहाँ कम से कम एक दिन के 300 ट्रक निकल रहा है, एक दिन 300 ट्रक। और यहाँ के मजदूर जो है सब कोयला में लगल है। और फिर सीएसएफ के जवान जो है आते हैं तो हम लोग पर लाठी बरसाते हैं कि कोयला चोरी करता है, तो हम लोग के रोजगार दे दीजिए ना, हम लोग के रोजगार दे दीजिए। जो गाड़ी जो ट्रक निकल रहा है यहाँ से हाईवा 300, हम लोग कितना टाइम लगने देंगे उसको भरने में। 1985 ईयर में आपका नजलाइज हुआ, उसमें से आपका आउटसोर्सिंग जब चालू किया गया, आउटसोर्सिंग के बलिभांति ही यहाँ छाय और उत्खनन जब होने लगा तो यहाँ के जो लोकल वर्कर्स, जो यहाँ के स्थानीय मजदूर जो थे, उसमें काम करने के लिए आश्रित किया गया था, जो अभी तक 10% भी नहीं मिल पाया। अब पानी उनी के सुविधा, डस्ट वगैरह जो है, कोई मूलभूत सुविधा है नहीं मिला। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है सर, रोजगार कोई रोजगार नहीं। लड़की का तो सुविधा दिया है मोदी सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो निकाला है, मगर यहाँ रोजगार देगा तो ना बेटी पढ़ेगा। यहाँ मेरा पिताजी मजदूरी करता है और मजदूरियों में फिर सब लाठी चार्ज करके बोलता है कि तुम यहाँ नहीं करो, तो हम लोग कहाँ जाएं। आप सरकार होकर के मेरे घर आए, बाकी इतना कोई भी लेता लीडर है कोई नहीं मेरे घर आते हैं, कोई नहीं, खाली बोलेगा हाँ दे रहे हैं परसों काम देंगे। तुम मुझे बताओ तुम एक दिन में क्या करती हो? सुबह से अंत तक 4 बजे उठते हैं, 6 बजे पढ़ करके खत्म करते हैं, तो 2 घंटे पढ़ती है, 2 घंटे क्या पढ़ती है? सोशल साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है? हमको सबसे अच्छा लगता है SST। उसमें क्या अच्छा लगता है? इसमें अच्छा लगता है कि भारत के बारे में सब बताते हैं कि भारत में वो हुआ ये हुआ, वो सुन करके अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा लगता है कि ये सच है, ये बताते हैं। अब तो वो किताब में जो पढ़े है तो वही सच माना जाएगा, क्योंकि हम लोग तो कहीं जाते हैं नहीं, जो छापा रहता है। कैसे मालूम कि किताब में जो है सच है? कि मतलब यहाँ दुनिया तो पढ़िए लिखे के ना सब सच मान रहा है, तो हम भी सच मान रहे हैं कि पढ़े लिख के ये सच है वो है। ऐसे तो हम लोग अनपढ़ रहते हैं, किताब में झूठ भी लिख देते हैं, वो भी तो लिख देते हैं, मगर हम लोग तो पहले भी नहीं समझते थे कि पढ़ा लिखा क्या होता। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है? जी जी, रोजगार के और पानी। यहाँ पर इंदिरा आवास भी बना आप पूर्व में, बहुत पहले 94-95, उसके बाद नहीं बना। नहीं, जानते हैं BCCL किसको, किसने बनाया, कब बनाया गया? ये तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हम लोग के कोई रोजगार आए तक कभी मिलवे नहीं किया, जब से कांग्रेस खत्म हुआ है, जब हम लोग के देखिए नहीं रहे तो खत्म है ना सर। हम लोग बाल बच्चा को रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से हुआ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या फायदा होता है जनधन अकाउंट से? कुछ नहीं सर। पिछले चुनाव में हमने कहा था कि हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में महीने के 6,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालेगी, वो योजना नहीं आई क्योंकि हमारी सरकार नहीं आई, मगर उस योजना से आपको फायदा होगा? राव जी घर आए ना, खुश कर दिए राव जी, आ इतना हमसे राव जी बात किए कि आज मेरा पूरा मन हर्षित हो गया। आए राहुल गांधी आए तो हम पूरा बस्ती खुश हैं, आज तक तो कोई नहीं आया, आज सोचे कि मेरा बाल बच्चा आ गया। एगो आता है भाजपा वाला, किसी से बात नहीं करे, फायदा कोई फायदा ना, आज पेट भर गया उनको से, उनको पैसा दे चाहे नहीं दे उनका बोली से मेरा पेट भर गया। राहुल जी तो आया तो बहुत सुझाव दिए और यहाँ के हमरा लगा सुविधा कि वो जरूर काम हमरा कर देगा।